मेरे साथ इस वक्त उजैर मौजूद है। उजैर, कैसे आपको ये ख्याल आया कि मैं बाई वॉक यहाँ से श्रीनगर से दिल्ली जाऊँगा? मेरी एक इंस्पिरेशन थी पहले से, क्योंकि मैं करता था ऐसे रन्स। मेरी एक इंस्पिरेशन बनी डीन कार्नर जिसे, जो एक यूट्यूबर है, जो एक रनर है, एंड ऑल्सो माई फ्रेंड हामिद अजीज़, ही इज़ फ्रॉम हवल। उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली ऐसी सब चीज़ों करने में। बट एक बात मैंने पर्सनल से जो यहाँ पे देखी, मतलब कुछ महीने हुए मुझे देखते हुए, ये ज़्यादा हो रहा है अब। मतलब लाइक ड्रग्स, सड़क पे गिर रहे हैं कुछ बच्चे, आधे पता नहीं क्या फुटपाथों पे अब गर्ल्स भी ड्रग्स लेने लगी, ये मैंने पर्सनल देखा। मैं उस टाइम ये मोटिव चेंज किया अपना, बोला कि मैं ये मैसेज ऐसे दूंगा कि यहाँ पे बहुत सारे जिम्स है, ज्वाइनर जिम्स, व्हाई यू गो टू द ड्रग्स? ड्रग्स से कुछ नहीं मिलेगा आपको, बस 5 या 10 मिनट के लिए आपको वो दिमागी तवज़ुन दूर हो जाएगी, उसके बाद फिर से वही दिमाग में वही फिर से वही इंटेंशन आएगा तुझे। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये, इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि सर, जो इस वक्त ड्रग्स का जो ये तबाही जो फैल रही है पूरे कश्मीर में, बहुत सारे नौजवान ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। अक्सर नौजवानों को लगता है कि ड्रग्स के बिना हम अपना जो स्ट्रेस है, अपने इमोशंस या कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो ये कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, मैं इनको सराहना करता हूँ। ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई मैं सोलो, ये मेरा सोलो इनिशिएटिव, मैं अकेले ही पैदल जाके दिल्ली तक यात्रा करूँगा। तो इससे ये मैसेज जाता है कि जवानों के लिए कि ज़िंदगी में करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, प्लीज़ प्लीज़ अवॉइड ड्रग्स। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन्स टू मिस्टर उजैर, और बहुत ही हम गर्व महसूस कर रहे हैं इस नौजवान पे जो कि कश्मीर से श्रीनगर से ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली, 935 किलोमीटर की दूरी पूरी कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द ग्रेट इनिशिएटिव, काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन बनने वाले हैं ये लोगों के लिए, और वी विश हिम ऑल द बेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ मी, DSP गुलाम हसन सर एंड माई टीम, होप फॉर यूथ एंड हु सपोर्टेड दिस गाय, ऑल द बेस्ट टू हिम। और हम दुआ करते हैं सही सलामत पहुँचे वापस भी इंशाल्लाह। थैंक यू, राइज एंड शाइन।